Kamisan murdaban! 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 Awas to! Amen! Modi sahay hai! Hai hai hai! Nahi chalegi Hitler sahay! Nahi chalegi! लाइव सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। नागरिकता संशोधन बिल जो संसद भवन से पास हो चुका है। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं के हर विषय के लिए भारतीय भवन का नया उपहार, दो वॉल्यूम में परीक्षा के नए पैटर्न, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ रिटन पास ऑल इन वन गेज पेपर, तो दिए अपनी परीक्षा की तैयारी को नई रफ्तार रिटन पास गेज पेपर के साथ। उसके विरोध में आज कांग्रेस मार्च कर रही है। ये गांधी मैदान का गांधी मूर्ति स्टैचू है, यहाँ से लेके कारगिल तक चौक तक जाना है, कांग्रेसी नेता से लेके कांग्रेसी कार्यकर्ता तक है। और यहाँ पे महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता है, हम उनसे बात करते हैं। आप लोग कौन सा गीत गा रही है और क्यों? हम लोग भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। मोदी अमित शाह के कारण जो देश में भाईचारा विभाजनकारी शक्तियों द्वारा जो यहाँ विनाश हो रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। क्या लगता है कि आप लोग ये जो आवाज उठा रही है नागरिकता संशोधन बिल पे, रुकावट आएगी? बिल्कुल आएगी। और ये हमारी आवाज नहीं है, देश की जनता की आवाज है। सिर्फ आपके पास मेजोरिटी है, इसीलिए आप वहाँ पे मनमानी कर रहे हैं। आप देश की जनता की बात नहीं सुन रहे हैं, ये गलत बात है। यहाँ पे हमारे साथ मदन मोहन झा जी भी है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। सर, आप लोग आज नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ आवाज उठा रहे, क्या कहना? निश्चित रूप से उठा रहे हैं। भारत हिंदुस्तान जो है सभी जात और धर्म के लोगों का है, और यहाँ पारदर्शिता होनी चाहिए। जो दल यह संशोधन बिल लाए हैं उन्हें किसी जात और धर्म से नहीं मतलब है, वो अपना कुर्सी बचा रहे हैं। और जो हिंदुस्तान की अभी समस्या है, यहाँ क्या समस्या है? किसानों का समस्या है, शिक्षकों का समस्या है, महिलाओं का समस्या है, अर्थव्यवस्था का समस्या। इसको संशोधित करके अगर इसको सुधार में कोई व्यवस्था करते तो सभी लोग साथ रहते, लेकिन वो सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं और यहाँ की जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं। जो मेन मुद्दा है उससे हटाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी साथ है, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार ने भी साथ दिया है। एक सेकंड, नीतीश कुमार जी का अपना स्टैंड होता है, शुरू से ही अपना करते रहे हैं। कभी साथ रहते हैं, कभी विरोध करते हैं, कभी न्यूट्रल हो जाते हैं, उसका जवाब वो बेहतर दे सकते हैं। वैसे यहाँ की जनता पूरा का पूरा देख रही है। क्या लगता है, राज्यसभा में साथ देंगे वो या के पीछे हट जाएंगे, क्योंकि उनके अपने जो साथी है वो लेटर लिखना शुरू कर चुके हैं? उनको पार्टी में भी विरोध है, जनता में भी विरोध है। अब क्या डिसीजन लेंगे उसके बारे में वो खुद बताएं। जैसा कि आपने मदन मोहन झा को सुना, उनका कहना है कि नीतीश कुमार अभी तो साथ हैं मगर वो हट जाएंगे राज्यसभा से। और देख सकते हैं यहाँ से पैदल मार्च शुरू हो चुका है, गांधी मूर्ति गांधी मैदान से ये पैदल मार्च आपको सीधा, हम कारगिल चौक तक जुड़े हैं, ये पैदल मार्च कारगिल चौक तक चलेगा, वहाँ से हम लाइव अपडेट करेंगे। और भी हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और हर खबर आप तक पहुँचाएंगे। छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव सीरीज के साथ, धन्यवाद। Hitler sahi! Hitler sahi!